दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन। स्वच्छ सर्वेक्षण के विजेताओं को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। देश का सबसे स्वच्छ गंगा टाउन बना वाराणसी। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक चली। आगे की रणनीति पर होनी है चर्चा। कृषि कानून रद्द होने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे टिकैत। कहा सरकार के साथ कई मुद्दों पर बातचीत बाकी। एमएसपी पर गारंटी, कानून बने, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हों। मुजफ्फरनगर में रैली करेंगे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। 2022 के चुनाव को लेकर लोकदल की परिवर्तन संदेश रैली। लखनऊ में वसीम रिजवी का बयान, ओवैसी मुसलमानों को भड़काकर हिंदुओं का कत्लेआम कराना चाहते हैं। सिद्धार्थनगर में खाद की भारी किल्लत से किसानों की बड़ी परेशानी। मंत्री सतीश द्विवेदी ने खाद की समस्या जल्द दूर होने का आश्वासन दिया। आजमगढ़ में शवाना आजमी ने कृषि कानून की वापसी पर किसानों को बधाई दी। कहीं सीएए और एनआरसी की भी वापसी हो। लखीमपुर केस में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। कहा आरोपियों को बचाने में जुटी है सरकार। अजय मिश्रा टेनी के मंत्री रहते हुए न्याय संभव नहीं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बड़ी कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में यूरोफिया स्पोर्ट्स सिटी की साइट पर चल रहे निर्माण कार्य को रुकवाया। दसवीं और बारहवीं की परीक्षा के केंद्रों के लिए बोर्ड ने जारी की निर्धारण नीति। डीआईओएस की टीम करेगी जियो मैपिंग। औरैया के अजीत मल कोतवाली इलाके में जमीन विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की घटना से मचा हड़कंप। बागपत में लाइसेंसी पिस्टल को हाथ में लेकर लहराते हुए डांस का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस युवक को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर जांच में जुटी। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में कुत्तों का आतंक। आधा दर्जन आवारा कुत्ते मैदान में घूमते दिखाई दिए। 25 नवंबर से भारत न्यूजीलैंड के बीच होना है पहला टेस्ट मैच। देहरादून में रोजगार के नाम पर वोट बटोरने की कवायद में जुटे सियासी दल। कांग्रेस निकालेगी पद यात्रा। बागपत में लाइसेंसी पिस्टल को हाथ में लेकर लहराते हुए डांस का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस युवक को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर जांच में जुटी। श्रावस्ती में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ईंट के भट्टे से टकराई। हादसे में एक की मौत हुई, महिला समेत दो लोग घायल। बुलंदशहर में एसएसपी की बड़ी कार्रवाई। प्रेमी के दिव्यांग पिता की हत्या के मामले में हल्का प्रभारी कुलदीप सिंह और बीच के सिपाही को किया निलंबित। बहराइच में देव दीपावली पर दीपों से जगमगाया सरयू घाट। 5100 दीप जलाकर अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए संकल्प लिया। कासगंज में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ में दो बदमाशों को लगी गोली। घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 355।